सागर में आम लोगों की सेहत के लिए सरकार ने मिलावट से मुक्ति का अभियान चलाया है। अब नगर में भी अभियान का प्रभाव दिखाई दे रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम सागर और उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया की बेकरी मिठाई दुकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। रविवार को भी टीम ने कटरा स्थित एक खोया की दुकान और मकरोनिया क्षेत्र के प्रकाश रेडी जनता होटल, चाट सेंटर, जूस सेंटर, बेकरी से सैंपल लिए और साफ सफाई नहीं मिलने पर सभी दुकानदारों को नोटिस जारी भी किए हैं। चाट की दुकान पर उपयोग में लिए जा रहे घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि मिलावटखोरों को न बख्शा जाए, इसके तहत हम लोगों ने, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं और फूड की टीम है, हमारे पुलिस की और नायब तहसीलदार राजस्व की टीम के साथ हमने आज मकरोनिया क्षेत्र में 3-4 दुकानों का किया है, सैंपलिंग की है। एक तो प्रकाश डेयरी का किया सैंपलिंग, दूसरा है कि जूस भंडार, आप जहाँ सामने खड़े हुए हैं, और ये दो मिष्ठान भंडार है, एक जनता होटल, एक और बगल में भी, यहाँ हम लोगों ने सैंपलिंग की है और साफ सफाई को देखा है और इनको सजेस्ट किया है कि गंदगी और साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान दें, गंदगी से करते हैं। क्या क्या अनियमितताएं पाई इसमें? हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिलावटखोरों के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है, उससे मिलावट से मुक्ति के संबंध में मकरोनिया भर में नहीं, पूरे शहर में सभी जगह दुकानों पे और फैक्ट्रियों में जो मावा की है या मिठाई की या अन्य मिष्ठान भंडार हैं, सब में छापेमार कार्रवाई की जा रही, जाँच की जा रही है, जिसके दौरान आज हमने निरीक्षण किए हैं 6 कुल, जिसमें रेगुलेटरी नमूने जांच किए हैं, जो अभी भोपाल जाएंगे वहां से जांच की जाएगी, और सर्विलेंस नमूने 24 किए हैं, जिनकी जांच हम यहीं करेंगे और उसका नतीजा भी कल शाम तक आ जाएगा, वो यहीं का है। तो इस प्रकार से हमने कुल 29 नमूने आज लिए हैं, जिनकी जांच करेंगे, करवाएंगे, और जिसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध जो नियमानुसार है कार्रवाई की जाएगी। मकरोनिया की हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।